قد جاء مهديكم وظهرت آية فاصرعوا بصدق القلب يا فتياني. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम सदाकत हज़रत अहमद अलैहिस्सलाम के लिए एक और दलील पेश करेंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के लिए हमें ये एक दलील दी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौहीद का सबसे ज़्यादा इल्म दिया गया। यही दलील हम हज़रत अहमद अलैहिस्सलाम की सदाकत के लिए पेश करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह ताला ने आपको सबसे ज़्यादा तौहीद का इल्म अता फरमाया। अब आप सोचिए कि ये ग़ुलाम अहमद कादियानी जो थे, इसने अपनी इस नबूवत की बुनियाद किस शय को बनाया था? आखिर इतने पढ़े लिखे लोग क्यों उसकी नबूवत की तरफ मायल हो गए? तो एक तो मैंने पहले भी अर्ज़ की थी बात कि एक तो वजह यह थी कि बहरहाल तौहीद के लिए उसने बड़े मोहकम दलाइल अपने हद तक एक वक्त में, जबकि वो अभी उसी वजह से तो मशहूर भी हुआ, मारूफ भी हुआ, ईसाइयों के मुकाबले से मुकाबला किया, मुनाजरे किए। लेकिन ये कि जब वो मशहूर हो गया तो उसके बाद फिर उसने एक नई बात घड़ी, और वो नई बात यह थी कि देखें, ये नबूवत तो इंसानियत के लिए रहमत है, और ये कैसे मुमकिन है कि रहमत को ब्लॉक कर दिया जाए, रोक दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए, और उसको उसका कला कमा कर दिया जाए और उसको ख़त्म कर दिया जाए? तो ये जो ख़त्म नबूवत का मुसलमानों ने तसव्वुर गढ़ा है, ये कोई सही तसव्वुर, ये तो अल्लाह की सुन्नती के खिलाफ है। अल्लाह की एक बुनियादी वस्फ सिफत रहमत के खिलाफ है कि अल्लाह ताला इंसानों को समझाना छोड़ दे। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह इंसानों को ना समझाए? माँ भला समझाने से बाज रह सकती है, तो इसी तरह अल्लाह ताला जो माँ से भी बढ़कर मोहब्बत करने वाला है, वो क्यों नहीं समझाएगा? वो क्यों नबूवत ख़त्म कर देगा? इन और वैसे दूसरी तरफ आप देखें तो जो आज दुनिया में इंसानों की तादाद है, कभी ज़मीन के ऊपर इतनी तादाद तो थी नहीं, और जितनी गुमराहियाँ आज हैं और जितना इंसान अल्लाह से दूर और गाफिल आज है, कभी भी नहीं था, कभी तारीख में इंसान। देखिए, ये जो बुत परस्ती भी होती थी, अल्लाह से दूरी के लिए तो नहीं होती थी, अल्लाह के कुर्ब के लिए होती थी, अल्लाह से, अल्लाह को करीब करने के लिए, कि ये बुत हैं जो अल्लाह के करीब करेंगे। तो ये सारी जो भी शिर्क का सारा निज़ाम था, अल्लाह का कुर्ब तलाश करने के लिए था। अब इंसान को अल्लाह की परवाह ही नहीं है। आज वो गुमराहियाँ दुनिया में, जिनमें से एक एक गुमराही की वजह से पूरी पूरी कौमें हलाक हुई हैं, आज वो सारी गुमराहियाँ जमा होकर अपनी तमामी शान के साथ ग्लोबल हैं, पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। आप कोई भी अमल उठा के देख लीजिए, कौम लूत का अमल ही देख लीजिए, आज वो किसी एक इलाके में नहीं है, पूरी दुनिया में है, और बल्कि उससे ज़्यादा शदीद तर है। वहाँ पे तो सिर्फ एक हद तक थे ना, हम जिन्स परस्ती मर्दों ही में थी, अब तो वो बात आज दुनिया में औरतों तक फैल चुकी हुई है। तो इस चीज़ को जहन में रखें कि गुमराहियाँ इतनी, इंसान गाफिल, इंसानों की तादाद इतनी बढ़ चुकी, लेकिन ये कि नबूवत ख़त्म हो गई है, भाई ये कैसे हो सकता है? ये है वो मगालता जो ग़ुलाम अहमद कादियानी ने पैदा किया। इतने सियाने सियाने लोग, पढ़े लिखे लोग, उसे मान कैसे लेते हैं नबी? देखिए ना, एक ही नोबल इनाम याफ्ता अब्दुल सलाम, और वो भी उसका जो है वो निकला मोतकिद, क्या होता है ये हमें नहीं मालूम। असल वजह ये है, ये बड़े लायक शख्सियत थी, इसने एक वक्त में बड़े ईसाइयों के साथ जो है वो मुनाजरे किए थे, उन्हें शिकस्त दी थी, तभी तो मशहूर होकर फिर नबी बने। जो तौहीद के ऊपर इस शख्स का लिटरेचर है ना, बाकमाल लिटरेचर है। तौहीद का इस्तदलाल कमाल दर्जे में है। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का नाम आपने सुना होगा, वो किसी वक्त दहरिये हो गए थे, उन्होंने खुद ये बात कही है कि मैं दहरियत से तौहीद की तरफ गुलाम अहमद कादियानी का लिटरेचर पढ़। बाज लोग ये सवाल करते हैं कि अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब ने इसका कहां जिक्र किया, इसका इशारा उनकी कुतुब से मिल जाता है। उनके एक रिसाले में वो लिखते हैं कि उनको मुनाजरों का बहुत शौक था और के तलाश जवाबात की हुई, फिर जब वो कुतुब का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की सुरमाए चश्मा आर्या वगैरह पढ़ी, फिर वो हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल की भी किताब का जिक्र करते हैं। फिर अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब ने अशरफ अली थानवी साहब को एक ख़त लिखा, उसमें वो लिखते हैं कि मेरा दिल तो कादियानियों की तरफ से भी हमेशा तावील ही तलाश करता रहता है।
बाज मुखालिफिन ये दावा करते हैं कि अब्दुल माजिद दहियाबादी ने आखिर में अपना मौकफ बदल दिया और हमारी तकफीर की। ये बिल्कुल झूठ है। अब्दुल माजिद दहियाबादी साहिब ने तो जमात इस्लाम अहमदिया की तकफीर भी नहीं की। दियोबंदियों के मुफ्ती मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी इसका जिक्र करते हैं कि कादियानियत के मसले में उनका नरम गोशा पूरी उम्मत के खिलाफ था और बिला शुबा ये उनकी संगीन तरीन गलती थी जिस पर अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, लेकिन वो पूरी उम्मत की मुखालफत के बावजूद अपने इस मौकफ पर कायम रहे। फिर अशरफ अली थानी साहब का एक वाक़या जिक्र करते हैं जिससे साबित होता है कि दियोबंदियों को कभी भी ये हक नहीं कि वो ये एतराज़ करें कि अहमदी मुसलमान तौहीद के मुनकिर हैं या इस्लाम के मुनकिर हैं। अब्दुल माजिद दहियाबादी साहब एक वाक़े का जिक्र करते हैं कि किसी शख्स ने कहा कि हज़रत यानी अशरफ अली थानवी साहब को, हज़रत इन लोगों का दीन भी कोई दीन है? ना खुदा को माने ना रसूल को। तो अशरफ अली थानवी साहब ने लहजा बदल कर इरशाद फरमाया कि ये ज़्यादती है, तौहीद में हमारा उनका कोई इख्तलाफ नहीं, इख्तलाफ रिसालत में है और उसके भी सिर्फ एक बाब में, यानी अकीदा ख़त्म रिसालत में। बात को बात की जगह पर रखना चाहिए। जो शख्स एक जुर्म का मुजरिम है ये तो ज़रूर नहीं कि दूसरे जराइम का भी हो। ये बात करो ताकि अगले बंदे को भी समझ आए। मैं खैर अर्ज करता खातमन नबीगीन, एक जो अहम शुबा जिसको मैंने छेड़ लेना वो बड़ा अहम है, वो क्या? मिर्ज़े गुलाम अहमद कादियानी का मौक़िफ़ ये था कि खातम नबीगीन का माना ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत का मरकज़ हैं। तवज्जो रखना, नबुव्वत का मरकज़ हैं। मकाम और मर्तबा जो हुज़ूर का है ना, वो किसी और नबी की नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे कहते हैं फ़लाँ बंदा खातमुल मुहद्दिसीन है, फ़लाँ बंदा खातमुल मुफस्सिरीन है, फ़लाँ बंदा खातमुल मुकर्ररीन है। तो जिस तरह हम ये कहते हैं ना खातमुल मुकर्ररीन, इसका माना क्या होता है? इस जैसा ख़तीब कोई नहीं, इस जैसा मुहद्दिस कोई नहीं। हम अलामा अनवर शाह कश्मीरी को देवबंद वाले कहते हैं खातमुल मुहद्दिसीन। उसने कहा तुम नहीं कहते खातमुल मुहद्दिसीन, इसका माना कि इनसे बड़ा मुहद्दिस कोई नहीं, बाकी सब छोटे हैं। तो हुजूर खातम नबीन, इसका माना यह है कि हुजूर का मकाम और मर्तबा नबियों में सबसे ऊपर है, हुजूर जैसा किसी का मकाम नहीं। ये मतलब नहीं कि इनके बाद कोई नबी नहीं आना। आप बताओ कितना मजबूत शुबा है, कितना अजीब एतराज़ किया उसने। अल्लाह हजरत ननौती की कब्रों पर, कब्र पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। ननौती रहमतुल्लाह अलैह भी खातमुन्नबीयीन का ये माना करते हैं कि खातमुन्नबीयीन का माना ये है हजूर नबुव्वत के मरकज़ हैं, हजूर पर मकाम और नबुव्वत ख़त्म है, हजूर का मकाम नबियों में सबसे ज़्यादा है। हजरत भी ये करते हैं और मिर्ज़ा भी ये कर रहे हैं। तो लोग क्या कहते हैं कि देखो जो माना मिर्ज़ा ही करते हैं वही तो मौलाना नौतवी करते हैं, दोनों में फ़र्क क्या हुआ? मौलाना नौतवी ने दरवाज़ा खोला है, वहाँ से मिर्ज़ा निकल आया, तो नबुव्वत का दरवाज़ा तो तुमने खोला है। अब अच्छी तरह बात समझना हजरत क्या फरमाना चाहते हैं। हजरत फरमाते हैं पहले आयत को समझो, आपके पास वक्त है ना, बोलो। चलो यूँ करते हैं जिसने उठना है वो उठता रहे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, मैंने नहीं उठना, गल मोगी जिसने उठना है वो उठ जाए, मैं बैठा रहूँगा जब तक आयत पूरी नहीं होती। हदीस को अगली दफ़ा ले आएँ। अनलोदी फरमाते हैं हम आयत का माना ये करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालिग मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी रसूल हैं। हम माना करते हैं खातमुन नबीयीन का के आखिरी रसूल हैं। अब फरमाते हैं ये माना अवाम करे तो करे, ये माना उलमा करे तो जेब नहीं देता। क्यों? फरमाए इस पे दो इश्काल हैं। पहला इश्काल ये है कि ये जो लाकिन्ना है इसका माना क्या है? अरबी ज़बान में लाकिन क्यों आता है? लाकिन से एक कलाम पहले है और एक कलाम बाद में है। जो लाकिन से पहले कलाम होता है उसमें एक शुबा होता है, लाकिन के बाद वाला कलाम उस शुबे को दूर करता है, उस शुबे को। आपने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बच्चा बालिग नहीं हुआ
नाबालिग थे और फौत हो गए। हजूर किसी बालिग बच्चे के बाप नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। बताओ वो कौन सा सुबह है जो लेकिन ने दूर किया है? लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और रसूल भी आखिरी हैं, तो बताओ कौन सा शुबा पैदा हुआ है जो इस जुमले ने दूर किया है? रसूल भी हैं और आखिरी भी हैं, इससे कौन सा शुबा दूर हुआ है? तो लेकिन का फ़ायदा फिर क्या होगा? नंबर दो, फरमाया कि ये आयत अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई है अपने नबी की मदा बयान करने के लिए। और मदा में क्या फरमाया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आखिरी होना तो मदा होता ही नहीं, आखिरी होना तो मदा होता ही नहीं। अबू बकर सिद्दीक खुलफाए राशिदीन में पहले खलीफा हैं और हजरत अली बोलो आखिरी खलीफा हैं, अफजल कौन है? कहो ना अली अल मुर्तजा वो खातिम खुलफाए राशिदीन है, कहो ना। अब समझ आ गई? हजरत हजरत समझाने के लिए फरमाते हैं शेख अब्दुल कादर जिलानी पहले वली है और ये हमारे शेख आखिरी वली है, अफजल कौन है? बोलो कौन है? हमारे पीर साहब चूँकि आखिरी हैं भाई, ये मदीना दरिल्ला में 10 सफ़े हैं, ये सफ़े अव्वल का नमाजी है और सफ़े आखिर का नमाजी है, अफजल कौन है? तो फिर इस पर हजूर की फजीलत क्या होगी कि आप आखिरी नबी हैं? अब बताओ माना हजूर का इश्काल समझो। If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. Sayyidina salli ala Muhammadin. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. Salli ala Nabiyyina salli ala Muhammadin salli ala Safiyyina salli ala Muhammadin.